we uh, talk about uh, Zomato. So quarter two FY22 के results आ गए हैं और results expectations से खराब है यानी कि losses company ने ज़्यादा uh, दिए हैं. Loss कितना है वगैरह वो सब आपको उनकी website पे मिल जाएगा. Uh, BSE India की website पे मिल जाएगा. बहुत सारे financial website uh, से हमारी website पे भी उनके सारे details आपको results के मिल जाएंगे. I am not going into that. We are talking about uh, थॉट प्रोसेस तो मेरा सजेशन है कि आपने बी एस सी इंडिया इस वेबसाइट को विजिट करना चाहिए उस पर जाके जोमैटो टाइप कीजिए कंपनी सेक्शन में वहां जाके कंपनी के रिजल्ट में announcements में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एंड एवरीवेयर वहां पर जाके रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और मिस्टर दीपिंदर गोयल जी ने जो लेटर लिखा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए उस लेटर को आप पढ़िए आई थिंक सेवन एट पेजेस का सिक्स सेवन पेजेस का वो लेटर है काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे वॉट ही दे वॉन्ट टू अचीव एंड हाउ नाउ दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन दी शेयर होल्डर्स तो शेयर होल्डर को का वैल्यू बढ़ना चाहिए वहां पे दैट्स वॉट दे आर ट्राइंग तो वहां पे जो कोर बिजनेसेस नहीं है कंपनी के उनसे बाहर निकलना चाहती है जो बिजनेसेस फूड इंडस्ट्री रिलेटेड ही है उन्हीं बिजनेसेस में वो पैसा लगाना चाहते हैं तो वो जो इकोसिस्टम वो डेवलप करना चाहते सो दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट दो उनका जो फिट्सो का जो इन्वेस्टमेंट था जो वो क्योर फिट में मर्ज करने वाले है पचास मिलियन डॉलर पे एंड और पचास मिलियन डॉलर की वो कैश इन्फ्यूज करने वाले है क्योर फिट में

बिजनेस uh, आता है रेस्टोरेंट बिजनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स तो वो थोड़ा सा हेल्थ एंड फूड वहां पे हैंड इन हैंड जाता हुआ नजर नहीं आ रहा आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू अटैच दी सिनर्जीज सो दैट्स द ओनली क्वेश्चन आई हैड इन दैट पर्टिकुलर लेटर सो अब बाकी के जो बिजनेसेस है मुझे लगता है डिलीवरी वाले बिजनेसेस हो लॉजिस्टिक्स वाले बिजनेसेस हो हाइपर लोकल मार्केटिंग वाला जो थॉट प्रोसेस हो तो वहां पे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल द काइंड ऑफ एक्टिव यूजर्स दे हैव वो भी काफी बढ़िया था, number, uh, quarter quarter बढ़िया था नंबर क्वार्टर क्वार्टर ऑन ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छी थी तो वो सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो वहां पे पॉजिटिव नजर आ रहे सो so, लॉस होने के बावजूद मार्केट को पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है मार्केट को पॉजिटिव ये नजर आ रहा है कि कंपनी का जो फोकस है वो ग्रोथ पे ही अभी सबसे ज्यादा है एंड दे फील इन कमिंग फ्यू इयर्स अगेन ध्यान से सुनिएगा ये नंबर जहां पे कंपनी का जो बिजनेस है वो ओवरऑल हज़ार करोड़ से 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं एंड एडजस्टेड एंड एडजस्टेड वाला तो ये पर्टिकुलर मतलब टोटल साल का भी हम पकड़ेंगे तो 4000 करोड़ से 6000 करोड़ दे फील दैट इन कमिंग फ्यू इयर्स और कपल ऑफ इयर्स

यहां पे जब प्रॉफिटेबिलिटी में ये सारी चीजें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे अगर ये जो एक नंबर ये कुछ गाइडेंस कंपनी ने जो दिए फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये गाइडेंस अगर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे देन द प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी इन बिलियंस बिली मी इफ दे विल बी एबल टू अचीव दोन बिलियन डॉलर्स ऑफ रिवेन्यूज Then I will not be surprised. The profitability will also be quite huge. And that's what the market is trying to discount. So, the market is very positively reacting. I don't know whether you have seen, but when results came out after that, the big broking firms, the big research firms, not only Indian but uh, the global research firms also, they increased the targets of Zomato. And that's where. मार्केट ने इमीडिएटली रिएक्ट करना शुरू कर दिया अभी भी जो बड़े इंस, इंस्टिण इंस्टिण है, उनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके आए उन्होंने कहा है आई एम नॉट सजेस्टिंग रहा है 220 का टारगेट जाओ करो और उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा नो इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस

एंड जो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा ये न्यू एच टेक्नोलॉजी बिजनेस है अभी भी कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा फोकस है कंपनी का एंड दे आर एक्वाइरिंग इन टू न्यू मार्केट एंड कंप्लीट फोकस इज ऑन क्लाइंट एक्विजिशन कस्टमर एक्विजिशन तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था एक ट्रेडिशनल बिजनेस है और ये एक न्यू एच टेक्नोलॉजी बिजनेस है ट्रेडिशनल बिजनेसिस में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में यू बिल्ड फैक्ट्रीज वगैरह ये सारी चीजें होती है लैंड लेते हो बहुत सारा खर्चा होता है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है दीज आर डिफरेंट सो फॉर हियर इफ यू वॉन्ट टू एक्वायर अ कस्टमर एक्वायर अ क्लाइंट सारी चीजें टेक्नोलॉजी है उसमें आपको कुछ खर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट इनोवेशन देयर बट कस्टमर एक्विजिशन में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है

उनको वैल्यू एडिशन दे एंड वहां से वो ग्रोथ हो एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन की जो स्टार्टअप में कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं so और जो स्टार्टअप्स में वो स्टेक लेना चाहते हो सकता है उनको मर्ज करे अगर मर्ज नहीं कर पाए तो बहुत ही सब्सटैंशियल फाइनेंशियल गेन्स लेके उन स्टार्टअप से वो एग्जिट करना चाहते सो आई थिंक द विजन इज क्वाइट क्लियर फॉर जोमेटो इन दिस पर्टिकुलर केस सो आई फील

बिलीव बी द प्रोफिटेबिलिटी नंबर ये जो वेल्यूएशन हम अभी देख रहे हैं दिस इज जस्ट अंबर आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये अचीव करते है सो देन द काइंड ऑफ वैल्यू वेल्थ क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स दीज कंपनील इट इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट इन टू इधर

वी वी हैव मॉडल जो हमने डेवलप किए हैं रिसर्च प्रॉपरली देख के बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्टफोलियोज हमने बिल्ड किए हैं इन बिटवीन इफ यू फील देर इज सम प्रॉब्लम विद द कंपनी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ गड़बड़ होती है सो वी टेक आउट दैट कंपनी अदरवाइज आई थिंक यू कैन होल्ड दोज कंपनीज फॉर रियर लॉन्ग टर्म वी कीप यू अपडेटेड